Awesome Hayat on Jio. अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम हयात दुबई स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से खसूसी इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि वो कब पाकिस्तान लौट रही है और क्या वो इलेक्शन से बायकॉट करना चाहती हैं या इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है। प्लीज़ मोहतरमा आप बताइए। मोहतरमा, पाकिस्तान के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल फेयर इलेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अपोजिशन के नुकात हैं, ये फेयर इलेक्शन तो सब कहती है, हम भी कहते हैं, बट हम फेयर इलेक्शन मिलेंगे कैसे? यहाँ पर लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हम ले रहे थे मोहतरमा से इंटरव्यू। कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं जो हमारे पेपर में है या ऑपोजिशन के डिक्लेरेशन में है, तो फिर यकीन दहानी हो सकती है। अभी वो इलेक्शन लिस्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था, मगर अनफॉर्चुनेटली हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के थ्रू उसको रिजॉल्व नहीं कर सके, और फिर हम अदालत में पिटिशन दायर किए थे, और वो अदालत ने फिर नोटिस ले करके इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो जो जाली वोट हैं, 26% जाली वोट हैं, उनको निकालें, और जो 30% वोटर्स को इंदराज नहीं किया गया है, उनको इंदराज करें। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि खाली हुकूमत के दरवाजे हैं, मगर मैं कहती हूँ जिधर भी दरवाजे हों, जिधर हम समझें कि हम जा करके सियासी और जमहूरी और वफाकी निज़ाम को बहाल कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। तो ये थी बेनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खसूसी इंटरव्यू, जिनमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है और पाकिस्तान के आवाम को क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम आसिम हयात ऑन जियो में। खुदा हाफिज़।